हिम्मत दिखे आ रहे हैं बाजी जान खाने वाले मर्द एक बार आप हिम्मत देने के बजाय दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए रहेंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले, आज हम किसी के बारे में बोलने वाले नहीं है दोस्तों। लेकिन जो मनीष कश्यप जी हैं, जो बिहार के मनीष कश्यप जी हैं, जो रिपोर्टर हैं, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और दोस्तों आज वो हैं जेल में। तो सुन के बहुत ही दुख लगा कि वो क्या किए हैं क्या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि जो मनीष कश्यप जी हैं वो गरीबों के ना, बोला जाता है ना मसीहा, मतलब हर गरीब लोगों का मदद करना, तो ये काम करते हैं। और आज वो जेल में हैं तो सुन के तो दुख लगेगा ही ना भाई, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सी वीडियो देखा है कि उन्होंने बहुत लोगों का मदद किया है। एक अभी बिहार में जल्दी एक सिंगर आई थी कोई, तो कुछ सलोनी कुमार नाम था उसका, तो उसका उन्होंने इंटरव्यू लिया, उसके पास में मोबाइल नहीं था तो उसको उन्होंने मोबाइल दिया। और एक लड़का आया था, वो डांसर था, वो डांसिंग का उसको बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन उसके पास मोबाइल नहीं थे, मतलब घर की मतलब फैमिली ऐसी थी कि जो मतलब एक नहीं कर पा रही थी, अप्रूव नहीं कर पा रही थी, तो फिर उन्होंने उसको मोबाइल भी खरीद के दिया। बहुत से मतलब ऐसे देखा गया है कि जो मनीष कश्यप भैया हैं वो बहुत लोगों की मदद करते, और आज वो जेल में है। तो मुझे जहाँ तक कि है मालूम है तो वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो अपने खुद के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने घर में अपनी माँ के लिए, अपने पिताजी के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए नहीं, एक पूरा बिहार वासियों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तब वो आज जेल में है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, मेरी वीडियो जिसके पास में पहुँच रही है, पहुँचेगी, देखेगी, तो प्लीज़ अगर आप लोगों की मदद से बिहार वासियों, यूपी वाले, कहीं के भी भाई रहे, अगर आप लोगों को लगता है मनीष कश्यप भैया सही है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों से जो भी हो पाता है मदद जरूर करिए उनको बाहर निकलवाने में। कैसे भी निकले, कोई भी निकाले, उससे मतलब नहीं है, बस वो बाहर रहने चाहिए। क्योंकि कैसा ना सच्चाई, वो कैसे इंसान है कि सच्चाई बोलते हैं। एक पुलिस वाले हो गए, एक मनीष कश्यप रिपोर्टर में देखा गया तो सबसे माना जाना मनीष कश्यप भैया हैं। वो ऐसे रिपोर्टर है ना, जहाँ कहीं भी सच्चाई रहे, कैसे उगलवाना है, कैसे बोलना है, वो उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। लेकिन आज वो जेल में है तो फिर ऐसा अगर सच बोलते आज वो जेल में, तो और भी जो रिपोर्टर हैं तो फिर उनको भी कहीं ना कहीं तो ठेस पहुँचेगी ना भाई, मतलब कि ये इतना सच बोलता था, ये ऐसा था, आज ये जेल में है, तो फिर दूसरा जो रिपोर्टर रहेगा ना वो भी फिर सच के सामने नहीं आएगा कि मैं भी चलूँ बोलूँ, क्या पता मैं भी जेल में चला जाऊँगा, तो कहीं ना तो कहीं डर रहेगा ना उसको भी। तो इसलिए यही निवेदन है भैया, मेरी वीडियो जिसके पास में पहुंचेगी तो प्लीज़, मनीष भैया जी बहुत अच्छे हैं, मुझे जहाँ तक की उम्मीद है, मुझे जहाँ तक की मालूम है, आप लोग अगर मनीष भैया का मदद करना चाहते हैं कि नहीं, आप लोगों को क्या लगता है मनीष भैया गलत हैं कि सही हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। तो मुझे जहाँ तक की लगता है कि मनीष भैया बहुत ही अच्छे हैं, बहुत लोगों का उन्होंने मदद किया है, अगर ऐसा उनका अगर बताया जाए तो बहुत लंबी चौड़ी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मदद बहुत करते हैं वो, मैंने खुद से देखा है, वीडियो इतनी इतनी वायरल हुई है उनकी कि वो जो है ना। और एक चीज़ उन्होंने अपने मुँह से बोला है कि ऐसा 42 लाख रुपया कुछ उनके अकाउंट में मतलब था, तो उसके वजह से मतलब कि उनको गिरफ्तार कर लिया, ये हो रहा है बात कि वो पैसा कहाँ से आया। तो भाई 42 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं है क्या, 42 लाख रुपया नहीं कोई रखता है, वो यूट्यूब से कितना अर्निंग करते रहेंगे। लेकिन अब ऐसा जो बात का नहीं बतंगड़ बनाया जाए तो वो भी बात बनाया जा रहा है उसमें उनको फंसाने के लिए, तो कोई बात नहीं, उसका सबूत बोलते हैं ना, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है ना तो भगवान उनके साथ भी कुछ गलत नहीं करेंगे। ओके, तो भैया जी आप विश्वास रखिए, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप भी जल्दी बाहर आएंगे। और बिहार वासियों से यही मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ भाई अगर आप लोगों से कुछ हो पाए तो उनको बाहर निकालने में उनकी सहायता करें। ओके, तो जो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिए।